मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अजय पाल जी और पुतला जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को साफा पहना करके स्वागत करें। ऊपर लाके पहना दो ना, फोटो नहीं आ रही। इधर आ जाओ, पधारो। देखिए, मैं अजय पाल जी से आग्रह करूंगा कि अध्यक्ष जी को गुलदस्ते देकर के स्वागत करेंगे। माननीय अजय पाल जी, माननीय गुलाब जी भाई साहब पधारे। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दाजी जी से आग्रह करूंगा कि वो गुलाब जी भाई साहब का गुलदस्ते देकर के स्वागत करें। वैसे ऊपर जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, सांसद रामचरण भौरा जी, विधायक अशोक लावटी जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पुनिया जी और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी भाई साहब से आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि प्रदेश कार्यालय पर झंडारोपण कर आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण का कार्यक्रम करें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उचकल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चल दिस रंगा, कृष्ण नामे जागे मांगे, गाए कब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय इस 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के इस मौके पर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज इस 75वें स्वाधीनता दिवस पर हम सबको संबोधित करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सुबह का टाइम तो है, थोड़ी तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन नारे से नहीं लग रहा कि नाश्ता करके आए हो। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। दुनिया के सबसे बड़े सनातन सुंदर देश जिसकी धर्म संस्कृति इतिहास विरासत आध्यात्मिकता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है, ऐसे विश्व के सबसे सुंदर देश भारत के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े प्रदेश के
राष्ट्रवादी विचार के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में आज इस समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे आदर के योग्य श्रद्धेय आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री भाई भजनलाल जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अजयपाल सिंह जी, जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचंद्र बोरा जी, विधायक अशोक लाहौटी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने तिरंगे के मान में, तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे की आन में, इस तिरंगे की छांव में राष्ट्र का गीत गाया। मित्रों, अभी दुनिया में हर चार साल में एक ऐसा उत्सव होता है जिसको ओलंपिक कहते हैं। दुनिया के 200 से भी ऊपर देश इकट्ठे होते हैं, उनमें अपने देश के लिए एक जज्बे के साथ लड़ने की होड़ होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। आप सब ने देखा, कितना रोमांचित महसूस किया होगा आपने कि जब टकटकी लगाकर मेडल की टैली में भारत का नाम देखते थे और जब जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो शायद आपके रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। नीरज चोपड़ा से जब पूछा कि इतने अरबों संख्या की दुनिया की आबादी के बीच में, इतने बड़े देशों की भीड़ के बीच में, इतने खिलाड़ियों की भीड़ के बीच में कौन सा पल था जिसने सबसे ज्यादा रोमांचित किया, नीरज ने कहा कि जब तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया, वो सबसे रोमांचक पल था। मित्रों, अपना देश, अपनी माटी, अपना विचार किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग इसको अभिमान कह सकते हैं। पर हमने इस देश में 70 वर्षों की राजनीति में अभिमान नहीं, स्वाभिमान के साथ खड़े हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, बदलते भारत को देखा है। राजनीतिक रूप से किसी को ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये चर्चा तो देश में होगी होगी। ये आजादी, ये मान, ये स्वाभिमान किसी एक दल की मिल्कियत नहीं। आप शहीदों का इतिहास पढ़ते हैं, किस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अभी हमारे महिला मोर्चे की बहनें डूंगरपुर में कालीबाई की स्मारक पर गई हैं। मुझे बताया कि कालीबाई वो है जिसने 13 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। पन्ना धाय के इतिहास को दुनिया में अमर हो गया। मैं एक बार विदेश के दौरे पर था, भारत की चर्चा हुई, खूबियों की चर्चा हुई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब मैंने पन्ना धाय के उस बलिदान का वर्णन उन अंग्रेजों के सामने किया तो उनकी भी आंखों में आंसू थे। दुनिया के इतिहास में शायद अपने देश के स्वाभिमान के, वंशज की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दे, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं। हर लिहाज से वीरता, भक्ति, हर लिहाज से समृद्ध यह धरती और एक ऐसा ही खूबसूरत देश भारत, उस भारत की खूबसूरत धरती राजस्थान, जिसके बारे में कहा जाता है राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। इसलिए ऐसी खूबसूरत धरती पर हम सब लोग हैं, भारत की धरती पर पैदा होना सौभाग्य, और भारत की धरती पर पैदा होकर, क्योंकि यहां पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मित्रों मैं गर्व कर सकता हूं, इस बात का गौरव कर सकता हूं कि हम सब लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रवाद के विचार को मानते हैं, और इस राष्ट्रवाद के विचार को हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया प्रमाणिकता के साथ कहती है कि यदि दुनिया में सबसे मुखर कोई विचार है किसी देश का, और केवल देश का नहीं, इस विश्व का भी कल्याण कर सकता है,
तो भारत के वसुधैव कुटुंबकम की उत्तात भावना ही इस दुनिया को बदल सकती है। और इस बदलाव में कारक बने हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। मैंने जिस 70 वर्षों के बदलाव की बात की, बहुत छोटी बात लगती होगी किसी को, जनधन के खाते, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, छोटी बातें लगती होंगी, लेकिन बड़ी बातों का जिक्र करूंगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास, और भगवान राम त्रिपाल में कैद थे, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो इन्हीं प्रधानमंत्री के जय देश और प्रदेश के गांव के चौपालों पर यह चर्चा होती थी कि आतंकवादियों ने इस देश को लील लिया। क्या कोई ऐसा माई का लाल नेता पैदा होगा जो आतंकवाद की छाती पर चोट करेगा? दुनिया ने देखा कि अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर इस देश के स्वाभिमान को। लोग कहते थे कि दुनिया पूंजी से चलती है, दुनिया तरक्की से चलती है, और भारत आंख से आंख नहीं मिला सकता। लेकिन पिछले 7 वर्षों का मोदी सरकार का कालखंड ये कालखंड है जिसने भारत ने दुनिया से आंख मिलाई, और केवल आंख नहीं मिलाई, दुनिया को नई राह दिखाई। और इसलिए जब दुनिया में बड़ी चुनौतियों की चर्चा होती है, क्लाइमेटिक चेंज की चर्चा होती है, जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है, तो पेरिस समझौते की अनुपालना करते हुए रास्ता दिखाता हुआ सोलर लीडर बनने का मादा किसी में तो भारत में है, जिसने बदलते हुए भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने पेश की। इसलिए मित्रों, एक लंबी फहरिस्त है, पर मैं आप सबके माध्यम से गर्व कर सकता हूँ, और आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने 70 वर्षों की राजनीति की भ्रष्टाचार की जड़ता को खत्म किया, जिन्होंने इस देश में अराजकता को खत्म किया, और जो निरंतर बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक बदलाव की उस मुहिम में जुटे हुए, भगवान उनको लंबी आयु दे, ताकि भारत, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे गौरव क्षण देखे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया को संबोधित करना और एक विश्व के लीडर के रूप में स्थापित होना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है मित्रों। लेकिन जैसे कहा जाता है, आजादी का सपना अभी अधूरा है। सपना किस लिए अधूरा है? कि सरकार ने काम किया, आपके दल के नेता ने काम किया, लेकिन एक जिम्मेवारी है समाज के बदलाव की। अभी भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं आप देखते हैं। मैंने राजस्थान का जिक्र किया, हिंदुस्तान के नक्शे पर राजस्थान की खूबसूरती, राजस्थान का शांतिपूर्ण प्रदेश होना, यहां का सद्भाव और भाईचारा, ये अपने आप में मिसाल पेश करता था। लेकिन चुनौती है आज राजस्थान के समक्ष, राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थान वासियों के सुरक्षा को चुनौती है, उनकी तरक्की को चुनौती है, उनके एकता, भाईचारे और सद्भाव को चुनौती है। और इसलिए पिछले 2.5 वर्षों में जो राजस्थान का दृश्य दिखा है, अफसोस होता है। मैं जिस समाज के बदलाव की बात कर रहा हूं, मैंने कोई राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी दल, लोकतांत्रिक दल, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जनता की सुरक्षा का भरोसा देती है, लेकिन क्या राजस्थान की माताएं और बहनें, अबलाएं, 4 साल की मासूम बच्ची जिस पर बलात्कार होता है, और इस तरीके के एक नहीं 5,23,000 मुकदमे ये पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए मित्रों। किस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव, किस तरीके से राजस्थान तरक्की का रास्ता देख रहा है। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास दोहरी जिम्मेवारी है। एक जिम्मेवारी वो है जो देश के प्रधानमंत्री ने बदलाव के लिए हर घर के दरवाजे तक तरक्की के रास्ते खोले। 80 करोड़ लोगों को अन्न देना सामान्य बात नहीं थी, कोरोना की चुनौतियों से लड़ना कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद दूंगा, जिस स्वाभिमान की बात कही, इससे बड़ा स्वाभिमान क्या होगा कि 30-30 वर्षों तक चेचक और पोलियो के टीके का इंतजार करते थे, देश के महान वैज्ञानिकों ने वो करिश्मा कर दिखाया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का स्वदेशी 2-2 टीके बनाकर पूरी दुनिया को जता दिया कि हमारे वैज्ञानिक कम। लेकिन ये लीडर के साथ होता है, नेता के साथ होता है, नेतृत्व के साथ होता है। नेतृत्व का गुण ही इन चीजों को प्रकट करता है। इसलिए मैं जिस दोहरी जिम्मेवारी की बात कर रहा था, आपका विचार उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपके विचार पर चुनौतियां भी हैं, आपके विचार पर प्रहार करने की कोशिश होती है,
आपके विचार को बदनाम करने की कोशिश होती है, एक षड्यंत्र होता है। इससे राजस्थान भी जूझ रहा है, हिंदुस्तान में किस तरीके से इस देश में एक अराजकता का वातावरण पैदा करने की कोशिश हुई। लेकिन ये तो राजस्थान का, हिंदुस्तान का किसान जानता है, इस देश में सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी और जिससे किसानों का जीवन बदला, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने देश के किसान की, प्रदेश के किसान की दशा बदली। गांव की सड़कें बनाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से, और आज वही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम किसान योजना के नाते 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 1,36,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करते तो उनका जीवन बदलता। एक समग्रता लिए, इसलिए दरवाजे पर आपकी सरकार की उपलब्धियां और दूसरे हाथ में इस तरीके की राजस्थान की अराजक सरकार के खिलाफ आप लोगों को जनता के बीच में जागरूकता के लिए संघर्ष करना, ये दोनों चुनौतियां आपके सामने हैं। मुझे अभी पत्रकारगण पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल में पहली बार निकले घर से, अब कोई प्रदेश का मुखिया 1.5 साल बाद निकले और ये कहे कि मैं तो घर से निकला ही नहीं, क्या इस देश में उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कोरोना नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना के बाद, ठीक होने के बाद, एक एक घर की सुध-बुध लेने का काम नहीं किया? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, आपने देखा होगा टीवी और समाचार माध्यमों से कि किस तरीके से इस कोरोना के हालात में मैंने मित्रों को जवाब दिया कि कोरोना के कालखंड में एक शब्द इस्तेमाल हुआ, वैसे तो कोरोना ने हिंदुस्तान के, राजस्थान के बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बना दिया, कोई दवाई पूछ लो बता देंगे, पहले पता नहीं था पैरासीटामोल क्या होती है, रेमडेसिविर क्या होता है और ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है, लेकिन एक शब्द खूब चला, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, मतलब अलग हो जाओ। मैंने इन मित्रों को जवाब दिया कि वो ठीक करें, उनका क्वारंटाइन सियासी था, कोरोना का था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन उनका सियासी क्वारंटाइन था, उस सियासी क्वारंटाइन से निकालने का काम तो अब 2023 में राजस्थान की जनता ही करेगी। मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से, हमारी पार्टी सरोकारों की पार्टी, केवल नारों की पार्टी नहीं, और ये सरोकार दिखा है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक मिशन दिया, एक अभियान दिया, एक संदेश दिया, और इसलिए कोरोना की पूरी पहली लहर में आप लोगों ने भोजन से, राशन से, उपचार से, जो भी आप कर सकते थे वो सब आप लोगों ने किया। दूसरी लहर थी, डर किसको नहीं थी, चिंता किसको नहीं थी, लेकिन इस फिक्र को, डर को ट्विटर पे चलने वाले नेता समझ नहीं सकते। कोई 1.5 वर्ष से घर में कैद मुख्यमंत्री नहीं समझता है, उनका संदेश था, और मैं कार्यकर्ताओं की भावना जानता था कि बीजेपी के कार्यकर्ता स्वभाव से सामाजिक हैं, सरोकार से जुड़ते हैं। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और भले ही मुझे 2 बार संक्रमण का शिकार होना पड़ा, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा जो कंधे से कंधा मिलाकर उस पूरे भीषण महामारी में मेरे साथ खड़ा था। मुझे गर्व है इस सेवा भाव के लिए, लेकिन अफसोस भी है कि मेरे 600 कार्यकर्ता इस दूसरी लहर में सेवा करते करते चले गए। मित्रों, इस सेवा के भाव को राजनीतिक नारों से दूर रखकर एक प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ उस गरीब के आंसू पहुंचने की जरूरत है जिसका संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था। देश के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सीखना ही चाहिए, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। इस देश में सुशासन और विकास की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, इसलिए वो लोक कल्याण की नीतियां गरीब के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए, वो जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं और ये संकल्प आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जैसे साधारण किसान के छोटे गांव में पैदा हुआ कोई व्यक्ति, एक साधारण कार्यकर्ता, जिसको भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सम्मान देगी। ये सम्मान सिर्फ आप लोगों की शुभकामना और दुआओं से हासिल हुआ, लेकिन इस सम्मान को मैंने चुनौती के साथ स्वीकार किया, और आज हम सब की जिम्मेवारी है कि 8 करोड़ राजस्थान की जनता को हम सब मिलकर उसके मान सम्मान के लिए, उसके बदलाव के लिए, उसकी खुशी के लिए, समृद्धि के लिए
हम सब लोग मिलकर काम करें, पार्टी के प्रति ये समर्पण होगा। और जैसे हमारे पार्टी के लोग कहते हैं, नेशन फर्स्ट, देश पहले, पार्टी नेक्स्ट, दल उसके बाद, सेल्फ लास्ट, और हम सब से अंत में। तो मुझे लगता है कि इस उद्गार के साथ में, इस मंत्र के साथ में हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि खुद का भला होगा, पार्टी मजबूत होगी और देश प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सभी को संबोधित किया, और 21वीं सदी में जिस तरह से भारत की ऊंचाइयां बढ़ रही हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के सरकार ने जो काम किए हैं, मैं हमारे बीच में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय गुलाब जी भाई साहब, मैं गुलाब जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में हमारे सैनिक हैं, उनका तिलक लगा करके और मिठाई खिला करके उनका स्वागत करेंगे माननीय गुलाब जी भाई साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अभी इस कार्यक्रम के बाद में अंदर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि हॉल के अंदर सभी उस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में सभी पधारेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि सभी हॉल में पधारें। मैं हमारे बीच में हमारे नरपत सिंह जी, राजवी साहब हमारे बीच में पधारे, मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इधर मंच की तरफ पधारे। माननीय नरपत सिंह जी, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी भाई साहब ने हमारे उन सैनिकों का सम्मान किया है, और आगे सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अंदर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है उसमें आप सभी पधारेंगे। इस मौके पर मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय अजय पाल जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी को धन्यवाद देंगे। माननीय अजय पाल जी, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे आए हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुष्प भेंट करते हुए
उनका स्वागत करना चाहिए। युवा भारत बीजेपी प्रदेश संगठन श्रीमान चंद्रशेखर जी को सांस्कृतिक एवं पर्यटन दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने
एक छलांग आपने करियर में ट्रेनिंग के बाद 10वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। आपके कई बेहतरीन कोर्सेज भी किए जिसमें उल्लेखनीय डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एमएससी की डिग्री एवं एमएलएस यूनिवर्सिटी उदयपुर एलएलबी से आपने एलएलबी की। आपका कमीशन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में हुआ और आपने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को कमांड भी किया। आपने जयपुर में रहते हुए ब्रिगेड की कमांड की। आप रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के सेंटर कमांडेंट भी रहे। आपका आखिरी चुनाव जयपुर में सब एरिया कमांडेंट के रूप में रहा। आपकी उल्लेखनीय 38 वर्षों की लंबी सेवा के बाद आपने अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्ति प्राप्त की। मेरे जयपुर माथुर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप माथुर सभा के अध्यक्ष हैं। आप अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप साथ में ही फैंस क्लब के राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं। आई वेलकम यू सर फ्रॉम बॉटम ऑफ द माई हार्ट। चंद्रशेखर जी भाई सर को मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर चढ़ाएं। भजन लाल जी शर्मा भाई सर जी ने 150 से ज्यादा देशों में अपनी लोक नृत्य कला का प्रदर्शन कर दिया।
समुदाय से हैं जिसके बारे में मैं आपके लिए बता चुकी हूँ, और सतीश पुनिया जी का स्वागत करते हैं। इनकी बेटियां भी बहुत बढ़िया डांस करती हैं। विदेशों में इनके डांस के इंस्टीट्यूट से इनका जितना स्वागत है कला के क्षेत्र में उतना ही कम है। चाहे भट्ट जी के बड़े सुपुत्र पंडित सलीम भट्ट जी, इन्होंने अपने फादर के साथ बहुत देश में भ्रमण किया है और संगीत के अंदर एक नया नाम रचा है। डॉक्टर सतीश पुनिया जी कला की जगत में ये सब किए हैं, सब झूठ तालियां तो बजाए। जब भी इनका परफॉर्मेंस होगा हम सब जाएंगे, तालियां धीरे बजेगी तो नहीं बुलाई करो। सलीम भट्ट जी बहुत बेहतरीन कलाकार है। सात्विक वीणा का आपने इजाद किया अपने पिता के नाम चलते हुए, पिताजी ने मोहन वीणा बनाई, इन्होंने सात्विक वीणा बनाई। मैं स्वागत करता हूँ भाजपा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान हमारे। भैया पीछे आ जाओ थोड़ा, भैया भैया बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। अरे आ गई भारत माता की जय। मोबाइल से किसी भी व्यक्ति संस्था और देश के लिए 75 वर्षों का एक बड़ा महत्व है। उत्सव के रूप में मनाते हैं लोग इनको, ऐसा ही एक प्यारा सा उत्सव आजादी का पर्व। और उस पर्व के अवसर पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन, सबसे बड़े प्रदेश के इस मुख्यालय में हम सब के बीच में विराजमान हमारे आदरणीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचंद्र बोरा जी, आदरणीय भजनलाल जी, लेकिन आज इस कार्यक्रम में, इस छोटे से कार्यक्रम में एक खूबसूरती देशभक्ति के रूप में दिखी। मैं स्वागत करता हूँ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, मेजर जनरल आर एस राठौड़ साहब। लेकिन शक्ति और भक्ति ये हमारी अनूठी परंपरा है, शौर्य ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन इस लोकतंत्र को ताकत दी, ऊंचाइयां दी भारत की सेना ने, जय हिंद की सेना ने। इसलिए हमारे साथ सेना के ऐसे अधिकारी जिनका जीवन बहुत परिश्रम के साथ सेना को ताकत देने का, लोकतंत्र को ऊंचाई देने का रहा है, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। भारत की सनातन और अविरल परंपरा में संगीत और साहित्य का बड़ा महत्व है।
दुनिया की एक समृद्ध विरासत हमारे साथ है, उसमें खूबसूरती जुड़ जाती है जब आदरणीय मधुजी जैसे, सलील भट्ट जैसे और गुलाबो जी जैसी लोक कलाकार हमारे लिए। आपने केवल गुलाबो जी का कालबेल या डांस देखा होगा, लेकिन आपको गुलाबो जी से ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या ऐसी हो सकती है कि मैंने पूछा इनसे कितने देशों की यात्राएं की, इन्होंने कहा 150। दुनिया में 200 देश है, 150 की यात्रा कर सकते। ये हमारी धरती का हुनर है जिसको दुनिया मानती है। और इसलिए मैं यहाँ पर तमाम जो प्रतिभाएं हैं उनका आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता विराजमान हैं, मैं हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भाई मनीष पारिक जी, चंद्रजीत भाड़ा जी और सुरेंद्र चारण जी, इनका भी विशेष अभिनंदन करूँगा। इन्होंने आज ये कार्यक्रम इस रूप में सजाया और कम समय में लेकिन अच्छे प्रयास के साथ, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी रुचि अब मेरे भाषण में कम और मंच पर जो कार्यक्रम होंगे उस पर ज़्यादा होगी। मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब ने कहा है, 75 साल, और 75 साल का मतलब ये होता है कि हम अब ऐसे स्थान ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से राष्ट्र अब पूरी तरह विकसित राष्ट्र कहला सकता है। 75 साल और मुझको मौका मिला आज ऐसे पावन अवसर पे आप सभी भाइयों के सामने, और एक जिम्मेदारी भैया ने मुझे बड़े प्रेम से दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव न सिर्फ भारत में, विश्व भर में ये मनाया जा रहा है, और अगर राजस्थान से हम सब अब एक कलाकार के रूप में इस महोत्सव में शामिल हो सके तो ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। और आज ये जो गीत मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये नया गाना मैंने बनाया है, और भारत के जो युवा हैं, युवा शक्ति हैं, उसके लिए ये गीत मैंने बनाया है, क्योंकि युवा शक्ति ने इस बार भारत का जो सर है वो ओलंपिक में बहुत ऊंचा किया है, और न सिर्फ ओलंपिक में, हर क्षेत्र में युवा, भारत का युवा अपनी शक्ति का परचम लहरा रहा है। तो युवा शक्ति को सलाम करते हुए ये गाना है यंग इंडिया। ये गाना मैंने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किया है, उस गाने का प्लस वन वर्जन जिसमें मेरी आवाज ऑलरेडी आपको सुनाई देगी, वो गाना एक बार आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज। Yeah।
आत्मसात करें, समझे इस बात को। आप युवा हैं, आप में इतनी ताकत है, आप चाहें तो नब से सितारे तोड़ के लें, आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके इरादों में चट्टान जैसी मजबूती होनी चाहिए। हमारे मेरे बड़े भाई, आप हमारे सीनियर हैं, जनरल साहब, जनरल माधव साहब यहाँ विराजे हुए हैं, क्योंकि मैं और जनरल साहब एक ही स्कूल से, महावीर स्कूल से हम लोग पढ़े हुए हैं, मेरे सुपर सीनियर। और हमारे लिए इतना बड़े गर्व की बात है कि जनरल साहब हमारे बीच में जब जब भी होते हैं, मुझे पता है इनका विशेष प्यार, विशेष आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व, आप जब इनके इनकी शब्दावली सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, तो आप में एक नए जोश का संचार हो। मुझे पता है कि आप सेनापति रहे हैं, और सेनाओं में जब हजारों हजारों लाखों लाखों जवानों को एक शब्द से आप मरने मारने के उतारू कर देते हैं, उन्हें इतना जोशीला बना देते हैं, तो मुझे पता है कि हम सबको भी आपका आशीर्वाद भाई साहब किसी तरह मिलता रहे। अब ऐसा ही एक जोश वाला गाना एक बार फिर मेरे साहित्यकारों को, अपनी लोक कलाओं को, अपने जो जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको जो न सम्मान दे, ना जिनका संरक्षण करे, उनको इतिहास भुला देता है। इतिहास जानता ही नहीं। क्यों, कैसे जानते हो आज आप के साथ राजस्थान को आप किस तरह पहचानते हो? आप अपनी पगड़ी से पहचाने जाते हो, आप अपने रंगीले वस्त्रों से पहचाने जाते हो। ये क्या है? ये हमारी लोक संस्कृति, हमारी हमारे अंदर रगों में बैठी हुई चीज। आज हमारे राजस्थानी लोक संगीत की बात कर लें, नृत्य की बात कर लें, तो कौन लोग उसे संरक्षित कर रहे हैं? कौन अब सदियों से अपने बच्चों को, अपने आसपास के पूरे पड़ोस को लेकर आ रहे, सदियों से उतरती आ रही परंपराएं कौन है? ये वही लोक कलाकार, ये वही कलाकार, वही साहित्यकार है जो आपके नाम को, आपकी संस्कृति को लेकर जा रहे हैं। उनका सम्मान, जो संगठन, जो व्यक्तित्व, जो उनका संरक्षण करते हैं, उन्हीं को इतिहास में जगह मिलती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, भूल जाइए वो बामियान में बम फोड़ फोड़ के, और जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां जो सदियों पुरानी बनी हुई थी, उनको बमों से उड़ा दिया तालिबानियों ने। कौन नाम लेगा? किस दुष्टता के लिए जाने जाएंगे आप? खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ, और मेरा ये थोड़ा सा कुछ करके नस नस में निकाले, कुछ करिए, कुछ करिए, रस रस में निकाले, कुछ करिए। कोई चल जित पड़िए, डूब डरिए या मरिए, हाय कोई चल जित पड़िए, डूब डरिए या मरिए। Thank you.
बधाई 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 और शुक्रिया जो आप सबने हमारे देश के लिए बात का मान बढ़ाया है। अब जब बात खेलों की आ ही गई है तो थोड़ा विचार खेलों पर कर लिया जाए। खेलो इंडिया का नवाचार लाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों की चांदी पहले ही कर दी, जिसमें नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखा के आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम कौन लेके आया? मोदी मोदी मोदी। दशकों से अटकी 370 की धारा को किसने खत्म किया? मोदी मोदी मोदी। स्वच्छ भारत अभियान कौन लेकर आया? मोदी मोदी मोदी। उज्ज्वला योजना कौन लेकर आया? मोदी मोदी मोदी। आत्मनिर्भर भारत योजना को किसने शुरू किया? मोदी मोदी मोदी। आतंकवाद का सफाया किसने किया? मोदी मोदी मोदी। और अब देश में सांस्कृतिक नीति कौन लेकर आएगा? मोदी मोदी मोदी। इतनी नित नई योजनाओं के बावजूद कुछ लोग अज्ञानता के कर योजनाओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं रामलाल के घर, जो कि एक मजदूर है। बनाने दे रहे, मैं अपना पेट काट काट के तुझे पढ़ाता हूँ, और तू है कि पता नहीं किन कामों में लगा रहता है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा इसे। अरे रामलाल, क्या हो गया तुझे? आज भगवान को कैसे याद कर रहा है? अरे तो क्या करूं, अब भगवान का ही सहारा है। हुआ क्या, वो तो बता। अरे मैं जिस दुकान पर काम करता था ना, वो तो दुकान बंद करके चला गया। उसने तो कोई दूसरा धंधा खोल लिया और मैं रह गया वहीं का वहीं। ना मेरे पास कोई काम धंधा है और ना खाने के लिए रोटी है। और मेरी बीवी वो मिट्टी के चूल्हे में फूंक मार मार कर बीमार पड़ी है घर में। अब अगर ये पढ़ेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, बता तू ही बता। ला बताओ, बगल में योजना और इधर उधर क्यों खोजना? मतलब? अरे भाई, आत्मनिर्भर योजना के बारे में सुना है? ऐसी भी कोई योजना है क्या? हाँ भाई, इस योजना के तहत जो तू चाहे जिस प्रकार की दुकान डालना चाहे वो डाल सकता है। इसका मतलब तेरा सेठ तू खुद है। सच्ची? अरे सच्ची, अरे मुच्ची। और इस चूल्हे चूल्हे वाली बात मुझे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई? उज्ज्वला योजना 2.0 माननीय मोदी जी की विशेष महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को LPG गैस कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा और पहला भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेगा। अरे तो ये तो मोदी जी ने मौज कर दी। और तो और काजी कार्रवाई बिल्कुल खत्म कर दी। और प्रवासी को ना राशन कार्ड की जरूरत है और ना ही ID प्रूफ की। अरे तो भाई, मोदी जी ने तो गरीबों की सारी सिरदर्दी खत्म कर दी। और रही बात पढ़ाई की बाबा, तो जब घर में सुकून होगा तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा ना। जब मन स्वस्थ रहेगी और आपका काम धंधा अच्छे से चलेगा तभी तो मेरा मन पढ़ाई में लग पाएगा ना। सही कह रहा बेटे। और हाँ, एक जागरूक भारतीय नागरिक को सभी योजनाओं के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है ताकि हम सब आत्मनिर्भर बन सके। तो बोलो मेरे साथ, मोदी है तुम भी है, 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 मोदी है तुम भी है। इस कार्यक्रम का धन्यवाद अर्पित करें माननीय चंद्रशेखर जी, हमारे बीच पूरे समय रहे हैं, आपकी प्रेरणा। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के आज अमृत महोत्सव के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित और जो अमृत महोत्सव मनाना चाहिए उस ऐतिहासिक अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मध्य, हम सबके मार्गदर्शक प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ, महामंत्री आदरणीय भद्रलाल जी और प्रदेश के कोषाध्यक्ष भूतरा साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी, हमारे दोनों सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय बाथुर साहब, शेखावत साहब, सभी कलाकार बंधुगण, बहने, उपस्थित सभी भाइयों बहन, आज सवेरे से बड़ी चौपड़ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झंडारोहण हुआ। हमारे प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने, और फिर प्रदेश कार्यालय पर झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ।
सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और वैशाल चंद्रशेखर जी को विशेषकर बधाई देना चाहूँगा कि मनीष जी का चयन करके एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। और बनाते ही जिस तरह से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और मोदी जी ने क्या क्या योजना चलाई और क्या क्या योजनाएं इस भारतवर्ष में चल रही है, इन योजनाओं के बारे में हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से रूट नीचे स्तर तक जमीनी स्तर तक योजनाओं के बारे में जानकारी हो। और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने का माननीय मोदी जी ने काम किया और आज पूरा देश इस बारे में अपने आप में गर्वान्वित महसूस करता है कि मोदी जी आने के बाद इन 7 वर्षों में, ये 7वां वर्ष चल रहा है, अभी 7वां वर्ष ऐसा लग रहा है कि जल्दी 70 साल हो गए। और इन वर्षों में 370 धारा खत्म करने का काम, अनेक योजनाएं और विशेष मोदी जी ने अध्यक्षता करके पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया। पर्यावरण के मामले में जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया, मैं समझता हूं कि इससे 75वें अमृत महोत्सव पर पूरे साल भर ये चलेगा। और मैं साथ में एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि मोदी जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री ने आज महोत्सव की मीटिंग में भी कहा कि राष्ट्रगान.in पर जाए और अपने खुद के आवाज से राष्ट्रगान बनाकर वीडियो बनाकर और नीचे स्तर तक भेजे। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव का एक विशेष काम और विशेष हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मुझे धन्यवाद देने के लिए मनीष जी ने आग्रह किया, निवेदन किया। तो इसलिए मैं मनीष जी को पूरे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी कलाकारों को और